मैं हूँ गीता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीता किचन एंड इंडियन कल्चर। आज की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ आलू और सूजी का नाश्ता, जो ब्रेकफास्ट में बच्चों को टिफिन में आप दे सकते हैं या शाम के समय आप स्नैक्स चाय के साथ ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने रेसिपी की ओर। पे हम उबला हुआ 3 से 4 आलू मैश करके रख लिए हैं और 1 कटोरी सूजी लिए हैं और थोड़ा सा हम धनिया पत्ता कट करके रख लिए हैं और 2 से 3 हरी मिर्चें काट करके रख लिया है और 1 बड़े साइज का प्याज कट करके रख लिया है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में पानी डालेंगे। हम 1 कटोरी सूजी लिए हैं उसका हम दुगना पानी डालेंगे, तो 2 कटोरी हमें पानी डालना है। और पानी डालने के बाद हम इसमें 1 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और उसके बाद हम पानी में सूजी को डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो देखिए पहले हम इसको मिला लेते हैं और मिला करके ये इस तरह से हो जाएगा। तो हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और निकालने के बाद जो कट करके सारा सामग्री रखा है उसको हम डाल देंगे। तो हम इसमें आलू डाल रहे हैं उबला हुआ और धनिया पत्ता इसमें डाल दे रहे हैं और ये हरी मिर्च है और प्याज है, सभी को डाल देना है। उसके बाद हम इसमें जीरा 1 चम्मच डाल रहे हैं, इससे स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और उसके बाद हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। उसके बाद हम इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी ये गर्म है तो हम इसको चम्मच से मिला लेते हैं। तो देखिए हम इसको चम्मच से मिला लेते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। तो थोड़ा सा तेल हाथों में ले करके और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, मिला लेना है, ताकि ये बर्तन में चिपके नहीं और हाथों में भी नहीं चिपके। तो देखिए हम 10 मिनट के लिए इसको ढककर छोड़ दिए हैं। उसके बाद हम तो देखिए अब निकालें और उसके बाद हम इसका हाथ में थोड़ा सा तेल लेने के बाद इसको हम गोल गोल शेप में हल्का सा हथेलियों के सहारे इसको पुश कर देना है। तो देखिए हम इसको लोई को तैयार किए, अब हथेलियों के सहारे इसको हल्का हल्का पुश कर देंगे, ज़्यादा पतला शेप नहीं करना है इसे, नहीं तो ये टूटने का डर रहता है। तो देखिए इसे हम हल्का सा चपटा कर दे रहे हैं और इसी शेप में बनाकर रख लिए हैं। तो अब हम इसे तेल में डालेंगे और डालने के बाद इसे तो देखिए हम सभी को डाल दिए और उसके बाद हम इसे हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसे निकालने में दिक्कत हो रहा है, तो देखिए हम ये छोलनी के सहारे पलट रहे हैं, उससे दिक्कत हो रहा था। तो हल्के हल्के आप आराम से पलटें, ना तो ये टूट भी सकता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसमें ज़्यादा आलू नहीं डालना है। तो देखिए ये ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम 1 प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से सभी को बना के निकाल लेना है। तो देखिए ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बहुत ही क्रिस्पी होता है। तो अगर ये रेसिपी पसंद आए तो आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें और
अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।